माँ बनना आसान नहीं है. Two children are born in the same year. They are Irish twins. Double the effort, double the मेहनत. But किसी ने ये नहीं बताया था कि ये इतना डिफिकल्ट होगा. एक शांत हो रहा था तो दूसरी इधर जो है डे बेड से नीचे गिर गई. अब जाके कुछ नया होने वाला. मैंने कहा इसको मैं अच्छी बात मानूं कि मेरी बेटी हंस रही है या बुरी बात मानूं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं. मतलब मैं बाल वैसे गुच्छा उठाती थी और मैं सोच रही थी इतने बाल है. I was devastated another time. How did you manage like two babies together? You will have to make yourself stronger. मैं रात को उठ उठ के रोती थी. I had also hit rock bottom. अगर मदरहुड रिवॉर्डिंग ना होता ना तो इट वुड हैव ड्रिवन वुमेन क्रेजी. दिस कन्वर्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. योर फर्स्ट रिएक्शन कि आप विद इन 6 मंथ्स फिर से माँ बनने वाली. Oh my God, I'll get emotional. But when I saw Divisha, I felt that, you know, the heart has so much more space. She's brilliant. I'm good. Yes. Two times the experience. दो मिनट. एक तो रात को नींद पूरी नहीं हुई है, ऊपर से खाने का वक्त नहीं मिलता है. प्लीज यार, इतने सब में ना इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ. होल्ड ऑन. चलो लेकर जाओ ये. मैं ही आती हूँ. हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू एपिसोड किसी ने बताया नहीं द मदरहुड जर्नी. माँ बनने का पहला एहसास है कुछ खास. आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही वर्सेटाइल है. ना कि उन्होंने टेलीविजन में अपनी एक स्पेस बनाई, बल्कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रही हैं. शी इज़ अ मदर ऑफ टू ब्यूटिफुल डॉटर्स जो कि ऑलमोस्ट ट्विन्स ही हैं. तो आज हमारा वो ट्विनिंग ट्विन वाला कॉन्वर्सेशन होने वाला है. उनकी दो खूबसूरत बेटियां हैं जैसी मेरी बेटियां हैं. सो प्लीज वेलकम द ब्यूटिफुल एंड द विवेशियस देवीना बॉनर्जी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन. मैं चाहती थी आप पहले सीजन से आए, बट आई अंडरस्टैंड कि आपकी उस टाइम भी बेटियों ने फुल एनर्जी और फुल टाइम लिया हुआ था. एंड राइट नाउ ऑल्सो यू हैड ऑल द कमिटमेंट्स, यू हैड टाइम विद योर डॉटर्स, फिर उसके बाद आपने हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला. थैंक यू सो मच. हू बेटर देन यू टू अंडरस्टैंड द होल ऑर्डील. आई मीन मुझे ऐसा लगा कि मतलब अगर मैं बोलूँ भी कि मैं कर नहीं पा रही हूँ या मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, आई एम श्योर कोई समझे ना समझे आप जरूर समझेंगे. मैं तो बिल्कुल समझती हूँ और मैं तो बोलती हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल यार कि ये टाइम निकाला, क्योंकि ये टाइम ना हम दोनों के लिए एक दूसरे को जानने का, हम दोनों के लिए एक दूसरे के चैलेंजेस को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करने का इतना महत्व है. क्योंकि हम जो आज यहाँ डिस्कस करेंगे ना, उससे आई थिंक जितनी भी हमारी ऑडियंस है ना वो एटलीस्ट कनेक्ट कर पाएगी कि माँ बनना आसान नहीं है. और ये जो आज हम शेयर करेंगे वो किसी ने बताया नहीं है, इसलिए हम आकर यहाँ बताने वाले हैं. तो आपकी तो दो बेटियाँ हैं, लियाना और दिविशा, ऑलमोस्ट ट्विंस ही हैं. दे आर आयरिश ट्विंस. ये वर्ड मुझे पहले नहीं पता था, बट लेटर आई केम टू नो व्हेन योर टू चिल्ड्रन आर बॉर्न इन द सेम ईयर दे आर आयरिश ट्विंस. मतलब ट्विंस ही हुए. इट इज जस्ट दैट मैंने साथ में नहीं पैदा किया. वो डबल द एफर्ट, डबल द मेहनत. और आपकी तो मतलब या आई थिंक डबल से ज्यादा क्वाड्रपल हो गया होगा, क्योंकि एक बेटी 6 महीना और 6 महीने के अंदर दूसरी बेटी. तो ये जर्नी आई एम श्योर बहुत ही चैलेंजिंग रही होगी, डिफिकल्टीज रही होगी. तो कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन योर सेट ऑफ चैलेंजेस? ओह माय गॉड, इट वाज चैलेंजेस एवरीवेयर. फ्रॉम द टाइम यू नो आई केम टू नो आई एम प्रेग्नेंट, टू द टाइम दैट आई डिलीवर्ड, टू द टाइम दैट आई ब्रॉट देम होम, टू द टाइम दैट पीपल आर सेइंग ओह साथ में पैदा हो गए. मतलब यू नो एक के बाद एक करना ही था इवेंचुअली. यू नो एवरीबडी थिंक्स कि हम दो हमारे दो, तो करना ही था इवेंचुअली. बट लेकिन यू नो बाद में करने से अच्छा इकट्ठा, यू नो यू विल गेट बैक टू फिटनेस ऑल एट वंस. बट किसी ने ये नहीं बताया था कि ये इतना डिफिकल्ट होगा. यही रीज़न है क्योंकि मैं ये कॉन्वर्सेशन चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी मतलब वेमेन लाइक अस दे आर आउट देयर जो कि डिलीवरी के बाद ना अपना काम रिज्यूम नहीं कर पाते हैं या कर नहीं सकते हैं या करना नहीं चाहते हैं. एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू वोकलाइज दैट थिंग, क्योंकि आई थिंक बच्चे हमारी एक्सटेंशन है, लेकिन हमारा काम जो है वो हमारा आधार है. बट एट द एंड ऑफ द डे इफ
वी डू नॉट शो द स्ट्रॉन्गर साइड ऑफ अस, दे विल ऑलवेज फील कि यू नो ठीक है चलता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है. आई मीन इट्स गुड टू टेक इट ईजी, करे नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. I think I would want my daughters to have a career of their own, and if they do not see their mother having, going out and doing it yes. for herself, they will not learn, because ये ऐसी चीज़ है जो बच्चे देख के सीखते हैं. आप वो पढ़ाई नहीं करा सकते, वो खुद observe करेंगे and they'll understand that mama went out, उन्होंने ये कर दिखाया, उनका she did it despite all her challenges and you know troubles. मुझे ये बात मेरी मम्मा ने बताई थी और मेरी मम्मा आज भी बोलती है, बेटा निश्चिंत होकर काम पर जाया कर, क्योंकि जो तू अपना एग्जाम्पल सेट करेगी ना वो तेरी बेटियाँ सीखेगी, और मैं चाहती हूँ मैं खड़ी रहूँगी तुम्हारे पीछे, पर तुम ये सब काम करो. और अभिनव भी यही बोलते हैं कि रुबीना किसी भी कीमत पर जो तुम अपनी ड्रीम्स फुलफिल करना चाहती हो उसे कभी मत छोड़ना, करो. सपोर्ट सिस्टम के लिए, पूरे गांव को इकट्ठा करने के लिए हम हैं, एंड आई विल डू इट एंड आई मेक श्योर दैट यू फुलफिल योर ड्रीम्स. आई वाज लाइक ओके. तो उस वक्त ना फैमिली सपोर्ट से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने लिए मी टाइम और अपनी सेल्फ केयर के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकती, क्योंकि पोस्टमार्टम जब हिट करता है ना, जब आप देखते हो कि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, इट्स लाइक मतलब एड़ियाँ फट रही है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन मतलब अजीब हो रही है, तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही हो रहा है. इतने केयर करने के बाद भी ना, क्योंकि वो जैसे हार्मोनल सर्ज आता है, और डिलीवरी के तुरंत बाद तो चीज़ें ठीक रहती है, बट एग्जैक्टली दूसरे या तीसरे महीने में, क्योंकि अब मैं फेस कर रही हूँ मुझे मेरी मसाज वाली ने कहा कि मैडम हमने सुना है बच्चा जब हंसता ना माँ के बाल झड़ते हैं. मैंने कहा मेरे तो बहुत झड़ रहे हैं बाल. मैंने कहा इसको मैं अच्छी बात मानूं कि मेरी बेटी हंस रही है, या बुरी बात मानूं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं. आई नो, पर मैंने बताऊं क्या किया मेरे ना, स्टार्टिंग ऑफ माय प्रेगनेंसी आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ट्राया. तो जब उस टाइम भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेरे हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने उनके सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए थे. तो अब जाके मैं उनको यू नो स्टॉकअप करती हूँ, रीऑर्डर करती हूँ, कहीं हद तक कम है. बट यू डू एवरीथिंग थोड़ा पहले पहले, आई मीन यू गॉट बैक इनटू योर बेटर सेल्फ. आई वुडंट से दिस इज द बेस्ट, बिकॉज आई हैव सीन द बेस्ट इन यू ऑब्वियसली. सो बट मतलब फास्ट कर लिया, पर मुझे उतना फास्ट मुझसे हुआ नहीं. और इनिशियली द फर्स्ट सिक्स मंथ्स टिल द टाइम दैट आई वाज फीडिंग, मुझे बिल्कुल कोई वो नहीं हुआ, मेरे बाल एकदम लस्ट्रस थे, माय हार्मोन्स वर फाइन, एंड द मोमेंट आई स्टॉप लैक्टेटिंग आई थिंक ऑल द हार्मोन्स वो डिप लेते हैं. मतलब एक तो देयर वाज दिस स्ट्रेस दैट ओ माय गॉड आई एम नॉट लैक्टेटिंग एनी मोर, दैट इज अ वियर्ड स्ट्रेस, वीनिंग ऑफ में बहुत वो होता है, बहुत इतना दुख हुआ था मुझे, मुझे नहीं पता था इतना दुख लाइफ में हो सकता है. कमजोर है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे वीन ऑफ कब करना पड़ेगा, तो इट विल बी सो डिफिकल्ट. मतलब बिफोर द बेबी आई थॉट really I will be I should over aise sab bahut sare sawal hote hain. I mean the weaning of time, matlab mujhe aisa lagta tha the purana me would be so happy, but I felt so devastated, I felt so bad, mujhe aisa lagta tha this beautiful moment is coming to an end. Achanak se sare jo good hormones bolte pura nose dive karta hai, and you start getting hair fall, and you know the skin becomes dry jaisi hoti hai. I know, you know, I'm like is ikattha sath mein kyun hona tha. So I got you also blood test done. To doctor ne bola ki ek good news hai, ek bad news bhi hai. गुड न्यूज़ ये है कि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन एकदम नॉर्मल हो गया है, सो दैट्स द रीज़न योर लैक्टेशन हैज स्टॉप्ड. सो आई एम गिविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन यू नो सो दैट पीपल अंडरस्टैंड यू नो फ्रॉम इनसाइड आउट. यस, बैड न्यूज़ ये है कि दैट इज द रीज़न कि अभी सब कुछ हो रहा है. एंड और मुझे तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि पैचेस में बाल निकलते हैं. पैचेस क्या मतलब, आई टुक अ शावर, शैम्पू किया, और फिर मैंने मेरा वो जो जहाँ पे से पानी जाता है वो देख के मैं खुद डर गई. मुझे ऐसा लगा रियली यू नो मैं टकली होना ना हो जाऊँ. एंड इट सच अ थिंग ना, मतलब मैं बाल जैसे गुच्छा उठाती थी और मैं सोचती थी इतने बाल है, दिन में 100 बाल सुना था, मतलब दिन में शायद 200,000 बाल निकल रहे थे. आई वॉज डिवास्टेटेड अनदर टाइप, मतलब हार्ट ब्रेक पे हार्ट ब्रेक. यू जस्ट गेट दिस फीलिंग कि अंदर से ऐसे कुछ स्लिप होके निकल गया, मतलब आत्मा राम बाहर आ गया. What did you exactly do? That's when you know came in Traya, because I had seen you know lots of ads and all, and I thought you know there's no hers in trying ones, you know, and it's very easy. You don't need to discuss with others. You can do it all by yourself. और उसके लिए आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं, कोई क्लिनिक भी नहीं. तो you know taking out time and doing that is also for us. I feel that's a task. तो यहाँ पे सब कुछ on
on your phone. You just need to, you know, fill up the forms and tell all your problems. क्या किया था या? Yeah. कि सब आप वो डाल दो, fill everything, all your conversation and everything. And hair fall is something. It is not like a one problem fits all. I was very cautious because my lactation had reduced considerably. I wanted to do something, you know. टू माई सेल्फ कि मेरा हेयर फॉल स्टॉप हो, रीग्रोथ तो बाद की बात है, पहले तो एटलीस्ट स्टॉप हो और मेरे मिल्क प्रोडक्शन जो ऑलरेडी कम हो गया, मतलब उस पर कोई असर ना हो, प्लस बच्चे पे भी कोई असर ना हो. दैट लास्ट बिट आई वॉज लैचिंग ऑन. त्राया लाइक रियली हेल्प्ड. आई मीन द कन्वीनियंस, द सीक्रेसी, द वे द डॉक्टर गेट्स ऑन टू योर कॉल. आयुर्वेदिक डॉक्टर ना, वो सारा वो चेकलिस्ट है उसका एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर आयुर्वेदिक. सो आई मीन जब प्रेगनेंसी में जो ड्रिंक विंक भी बोलते हैं उसमें से भी काफी सारी चीजें हैं ना, अश्वगंधा रहता है, शतावरी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि मतलब अब हम वो एग्जैक्ट क्वांटिटीज में तो हम निकाल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है. तो अगर ये किसी सप्लीमेंट में आ जाए तो बेस्ट है. तो एक्चुअली ना मुझे ट्राया के बारे में यही अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने यू नो प्रेगनेंसी में ही शुरू कर दिया था. फिर अब भी मेरा ये है कि मतलब हियरिंग यू के 2 लाख बाल निकलते वहां से मुझे डर लग रहा है, बट ये कि मेरा कम है. बट आई थिंक यू आर ऑलरेडी रेडी. सो इंस्टेड ऑफ यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम फेस करते हैं, भुगतते हैं और फिर जाते हैं, एंड देन देयर इज समथिंग दैट यू नो यू ऑलरेडी डू इट बिकॉज यू हैव द नॉलेज. मैंने पहले ही वो कर दिया. आई थिंक आवर कॉन्वर्सेशन कैन जस्ट हेल्प मोर पीपल. मदर्स के पहले प्रिपेयर रह लो. हाँ. और पहले अपनी सप्लीमेंटेशन शुरू कर लो और ये चीजें अपनी चेकलिस्ट में डाल दो, बिकॉज बिफोर यू योर मांग मतलब इतना सादा चौड़ा हो जाने से हो जाए और उसके बाद यू थिंक ऑफ रिवर्सिंग, एटलीस्ट लेट इट नॉट मतलब गो टिल दैट पॉइंट. आई जस्ट विश. ऐसी चीजें बारीकी लाइक यू नो नोज नीजल ड्रॉप भी मुझे दिया था एंड आई यूज टू वॉन्डर ये क्यों, यू नो फॉर टू इंड्यूस बेटर स्लीप एंड ऑल. एंड आई एक्चुअली फेल्ट कि इतना मतलब इतना सोच समझ के हैविंग द राइट सप्लीमेंट, गिविंग द राइट ऑयल, गिविंग यू नो लाइक अ नीजल ड्रॉप एंड ऑल, आई वॉज ट्रूली ब्लेस्ड दैट आई गॉट इट ऑन द राइट टाइम. And I'm continuing it. ऐसा नहीं कि you know एक बार कर लिया तो मैं भी continue कर ही रही हूँ. हाँ, because I feel consistency is the key कोई भी चीज़ में. क्योंकि अब मैं ट्राया को pregnancy से पहले भी मतलब आई वॉज हैविंग द सप्लीमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो एक होता है ना कॉन्फिडेंस होता है, फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो क्योंकि यू आर ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो एंड देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू बी सो वेरी कॉशियस अबाउट इट. पर एक चीज़ जो आपने यू नो एक्सपेरिमेंट कर ली अपने लिए और आपको सूट करती है, मैंने कहा यही कंटिन्यू करो. मुझे पता नहीं, यू विल बी एबल टू से बेटर दैट अगर ट्विंस होते हैं तो मैंने ऐसा सुना है कि वो लोग साथ में रोते हैं, साथ में भूख लगती है, सब कुछ साथ साथ में होता है, लेकिन यहाँ पे एक सोते हैं तो एक उठ जाते हैं, एक को भूख लगती है तो उस टाइम पे उनको नींद आ जाती है और उसको जैसे नींद से उठती है इसको कुछ और करना होता है. सो एवरीथिंग इज सो जम्बल्ड अप. आई नो, आई जस्ट डोंट नो व्हेन इज द टाइम टू ब्रीद. मतलब मैंने हमेशा ये सुना था और यू नो इंस्टाग्राम में देयर इज दिस थिंग नो दैट स्लीप व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग. और वो नहीं होता भैया, बिल्कुल नहीं होता है. आई जस्ट डोंट नो. और मेरे को सब बोलते थे यू नो रुबीना फाइंड टाइम व्हेन योर किड्स आर स्लीपिंग, स्लीप देन, छोटा छोटा नैप लो, ये करो. और मैं इतना स्ट्रगल कर चुकी हूँ. एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी, एक सोता था, दूसरा जगा हुआ रहता था, एक खाता था तो दूसरा रो रहा होता था. मैंने कहा मैं अपने लिए टाइम कब निकालूं, और ऐसी ही सिचुएशन थी. एंड आई रियलाइज दैट कि उसके बीच में निकालना पड़ता है बिकॉज यू नो देयर इज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंड टू अस. वी वर इन पेरिस और हम लोग एक कैब ड्राइवर को हमने हायर किया था और वो हमें घुमा रहे थे और दोनों बच्चे उधंड मचा रहे थे गाड़ी में. मतलब ऐसा हमें शर्म आ गई. गुरमीत ने 4 बार बोल दिया सॉरी सॉरी वेरी सॉरी. मतलब शांति एक सेकंड के लिए भी नहीं था. एक शांत हो रहा था तो दूसरी या मतलब गाड़ी के अंदर कंटेंड ही नहीं हो रहे थे. एंड यू नो आप जब बाहर जाते हो आप कितना मतलब दोनों छोटे बच्चों के लिए आप कितना वॉक कर सकते हो. सो यू नीड टू बी इन द कार. तो इतना सॉरी बोला एंड द ड्राइवर ही डिड नॉट नो इंग्लिश. सो हम लोग ना ट्रांसलेटर से बात कर रहे थे हर एक चीज को. बट सॉरी समथिंग आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिवर्सल वो है और पता चली जाता है. उन्होंने 3-4-10 बार ये बहुत बार सुना. लास्ट में उन्होंने बोला नो सॉरी लिटिल बेबी लिटिल प्रॉब्लम, बिग बेबी big problem. Oh wow, it's such a beautiful thing. Yeah, that, actually you know it's not that I'm thinking ki wow this phase I just want to get out of this phase and tomorrow will be like another better calm and like peaceful phase I'm entering into. No, it's gonna get bigger.
problems with the I mean they'll keep growing and the problems with them will keep growing. Yeah. तो मतलब कल के अपेक्षा मत करो, यहीं पे से enjoy करना शुरू करो, इसी के बीच में enjoyment लेना शुरू करो. वाह यार. And yeah, since then I think I mean I had a different outlook towards it. अभी जब मैं देख रही हूँ मेरी बेटियों के साथ, अभी उनका रूटीन बनाना है, उनके लिए एक यू नो एक स्केड्यूल बन जाए, रात को टाइम से सो जाए, इस समय नहलाना है, इस समय फीड करना है. तो अभी ना रूटीन में ही हम चैलेंज, इतना चैलेंज फेस कर रहे हैं क्योंकि दो दो जन हैं अभी, दोनों का अलग पर्सनैलिटीज़ अलग हैं और उनकी डिमांड्स अलग हैं. तो हमको ये लगता है कि यार एक बार रूटीन में आ जाए तो शायद थोड़ी राहत मिले. अब उन्होंने ना पलटना शुरू किया, करवट बदलना. अभी हफ्ते पहले ही इधर जो है डे बेड से नीचे गिर गई. मेरे दिल पर इतनी मतलब 100 छुरियां चली है मेरे दिल पर, क्योंकि मैं शूट पर थी, टच वुड उसे लगी नहीं, बट हर एक माइलस्टोन पे ना अपने को ऐसा लगता है कि यार अब जाके कुछ नया होने वाला, अब जाके कुछ नया होने वाला है. एब्सोल्युटली. एंड यू आई मीन द थिंग इज दैट जस्ट बी रेडी. आई मीन मतलब वंस वी आर रेडी नो आई मीन सोचो लियाना हैज स्टार्टेड गोइंग टू प्री स्कूल अभी से. या अभी से, अभी तो एक साल खत्म होने को आया और दैट्स व्हेन आई रियलाइज टाइम फ्लाइज एंड हाउ टाइम इज लाइक दैट रेती मैन. मतलब आप हाथ में पकड़ के मुट्ठी करने की कोशिश करो और हाथ से फिसलता जाता है. ओह माय गॉड, टाइम हैज फ्लोन, वन ईयर हैज गॉन बाय. आई हैव सीन ब्यूटीफुल चेंजेस इन लियाना, सो आई एम पुटिंग दिविशा ऑल्सो नेक्स्ट ईयर. यार यू आर अ सुपर मॉम, यू आर अ सुपर मॉम. हां, ये भी हैंडल करना है, ये कन्वर्सेशन हैंडल करना है. आई एम श्योर यू आर रनिंग योर यूट्यूब चैनल सो ब्यूटीफुली एंड विद सो मच ऑफ एनर्जी, और बच्चों का स्कूल भी इंक्लूड कर रहे हो यार. ओह माय गॉड, एंड एवरीथिंग इज अ चैलेंज यू नो, स्कूल में गिरना पड़ना. बट आई समहाउ रियलाइज यू नो वी आर समटाइम्स, वी समटाइम्स गेट वेरी प्रोटेक्टिव कि क्यों गिर गया, कैसे हो गया. बट हमें बस इतना समझना है कि हमारे सामने हम देखते देखते भी 40 बार गिर जाते हैं. तो अगर कहीं पे गिरे पड़े, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. आई थिंक एज अ किड आई ऑलवेज हैड यू नो ब्लैक घुटना, क्योंकि मैं इतनी गिरती थी. मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत उधंड गुंडी बच्ची होती थी. मैं ये भागते भागते गिर जाती थी सामने मम्मी के मुंह के सामने, 50 बार गिरती थी, खून खून मेरे दोनों घुटना एल्बो. मेरी बेटियों को मैं एकदम एक्सपेक्ट करूंगी कि वो एकदम प्रोटेक्ट होकर डार्लिंग होंगे. पर हम कितना ही प्रोटेक्ट करें, मुझे लगता है कि वो जो उनका सीखने और गिरने का जो फेज है ना, वो होगा ही होगा. और ऐसे ही वो सीखेंगे, और ऐसे ही सीखेंगे. एग्जैक्टली. लियाना आल्सो फेल एंड देन शी इज लाइक मोर वो कि ऐसे नींद से उठ के ऐसे करना बैठी है कि वो गिर नहीं रही है. मैंने बोला ओहो अब तुम सीख गई हो, अब तुम कोने में नहीं आओगी. नहीं, आपने ये बात बहुत सही कही कि एक्चुअली उनको गिरने पड़ने देना चाहिए सो दैट दे आल्सो नो दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग. बट With scare के पता चले थोड़े ज़्यादा height से गिर गए तो it's gonna be a problem. I mean that is where to, I think we are there and we have so many people around. Yes. They say it takes a village to bring up a kid. I think it takes a country to bring up two kids together. Yeah. फिर भी कम पढ़ते हैं. यार कम पढ़ते हैं actually. And at the end of the day, a mother is a mother. बच्चे को जब मामा चाहिए होता है फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स कोई नहीं कर सकता, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. ओह माय गॉड, आई मीन इट्स अ दोधारी तलवार. व्हेन योर किड इज मोर कंफर्टेबल विद पीपल अराउंड यू, यू फील रियली मेरी अब जरूरत ही जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे. एंड व्हेन द बेबी इज क्राइंग ओनली मामा मामा, यू आर सीइंग इन द कैमरा दैट शी इज नॉट स्लीपिंग, शी इज जस्ट क्राइंग एंड यू जस्ट वांट टू जस्ट स्टॉप ब्लॉक मी, यू वांट टू गेट बैक होम. ओह गॉड, दैट्स आल्सो वेरी पेनफुल गिल्ट ड्रिवन थिंग कि यार मुझे वहाँ होना जरूरी है, माय बच्चा नीड्स मी, आई हैव टू बी देयर. आई नो. सो बट इतने सब चैलेंजेस के साथ यार, व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू वांटेड योर ओन टाइम, योर पर्सनल टाइम? मतलब वैसे तो कभी नहीं सोचा कि यू नो अभी आई एम ऑन अ ब्रेक और समथिंग. इनफैक्ट आफ्टर अ सी सेक्शन ऑफ दिविशा 25 डेज की थी मैं, मतलब ऑब्वियसली मेरा चाइल्ड या डिलीवरी के बाद. एंड आई डिड एन इवेंट यू नो, डांसिंग इवेंट. डांसिंग किया? हाँ, तो मतलब वैसे हल्के हल्के से, बट इवेंट था और थोड़े दिन के बाद, बट उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था. सो व्हेन आई वेंट एंड आई फेस्ड ऑल द कैमरा, द पीपल, जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे, मुझे इतनी मतलब अंदर से इतनी खुशी मिली ना, यू नो आई एम बैक. एंड इवन दो आई हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट एंड ऑल, बट समहाउ एक अंदर से एक बिलोंगिंग वाली फीलिंग आई, विच आई थिंक जिसके लिए मुंबई आई थी. तो वो बिलोंगिंग वाली फीलिंग के लिए फिर लगा कि नो दिस हैज, दिस प्रोसेस हैज टू गो ऑन. और यू नो यू थिंक एंड
ऑलवेज इट डज नॉट हैपन लाइक दैट. थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ हुआ. कभी मैंने किसी को एडवाइस दिया, यू नो, थोड़ा सा बका पहन गो, थोड़े दिन कुछ खुद करी, थोड़े दिन उठ नहीं पाई. तो ऐसे ऑन एंड ऑफ करके फिटनेस जर्नी हो या काम वाली जर्नी हो, बस चल रहा है आई थिंक. बट दैट वॉज द डे दैट आई फेल दैट आई बिलोंग हियर एंड आई हैव टू गेट बैक. Wow. I have to get back. अब मुझे देवी ना ये बताओ कि कभी ऐसा टाइम स्केड्यूल करते हो स्पेसिफिकली माइंडफुली कि आज मुझे एटलीस्ट अपने लिए दिस इज़ माई मी टाइम, दिस इज़ माई सेल्फ केयर टाइम कि मुझे निकालना है, या फिर बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिलता है एंड यू थिंक कि चल सेल्फ केयर अगर कभी या मी टाइम कभी मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी चलेगा. एक्चुअली आई लेट इट गो फ्रीली, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज विद किड्स नो इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल. जैसे मैंने कहा, मतलब हम आते ही थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन कर लिया था, आई थॉट आई विल कैच अप अगेन, कि यू नो दोनों बच्चे, एक की तबीयत ठीक होती तो वो दूसरे बीमार पड़ते, एक की तबीयत ठीक होती. सो यू थिंक यू प्लान इनिशियली, आई टू प्लान कि आज मैं ये करूँगी, पर वो फिर मैंने देखा नहीं होता. इनफैक्ट फॉर ट्रैवल प्लान्स ऑल्सो, मतलब मैं लास्ट मिनट तक टिकट कैंसिल नहीं कर रही हूँ ये सोच के कि मे बी आई विल बी एबल टू ट्रैवल विथ हर. एंड मुंडन था मेरे बेबीज का इन बनारस, और मैं एक बेबी को लेके भी नहीं गई क्योंकि उसको उसका बुखार ठीक ही नहीं हुआ. एंड आई थॉट यू नो टू ट्रैवल विथ हर वुड बी डिफिकल्ट, सो आई लेफ्ट माई मॉम एंड माई बेबी बिहाइंड. प्लान ही ऐसे ऐसे चेंज हो जाता है, आई मीन कुछ भी हो सकता है. सो whenever I see that everything is fine, even if it was not planned, I take that time, I grab that opportunity. Very good. And I feel that, मतलब just be ready. मतलब ऐसा नहीं कि आज कुछ नहीं करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है घर में सब सेटल्ड है, मेरे बच्चे ठीक है, मेरे लिए इतना काफ़ी है. आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मुझे बहुत लोगों ने बोला था जितना सोना है सो लो, जितना आराम करना है कर लो, जितना पैम्पर करना है अपने आप को कर लो, एक बार बच्चे आ जाएंगे तो जिंदगी बदल जाएगी. तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या बदलेगा, वैसा ही होगा ना. आई थिंक आई ऑल्सो मेट यू. Oh, you met me, huh? Yeah. And you said, Rubina, enjoy kar lo. This is actually the easiest phase of this whole motherhood journey, the pregnancy phase. और मैं सोचती थी, मैंने कहा यार क्या ही बोल रहे हैं, उसके बाद भी तो life will be under my control, I will have control over my days and everything. Trust me. Your life is under their control. Yeah, and it just changed 360 degrees. और फिर मुझे किसी ने कहा था, रुबीना ये तुमको कोई नहीं बताएगा, पर मैं बता रही हूँ कि एक बार बच्चे हो जाएंगे ना तो ये प्रोजेक्ट इजी नहीं होगा. 18 साल तक एवरी डे एवरी चैलेंज विल बी मतलब सो कंपेलिंग कि यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ. एब्सोल्युटली. यू विल हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर. ये तभी जाकर चीज़ें तुम्हारे लिए आसान होगी. ये मत सोचना कि कल शायद अच्छा हो जाएगा, इतने महीने के बाद शायद अच्छा हो जाएगा, 3 साल के हो जाएंगे, 4 साल के बाद हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा. बट आई थिंक यू गेट बेटर एट इट. देर आर सो मेनी मदर्स स्ट्रगलिंग द सेम वे, सो मेनी फैमिलीज जो कि मतलब यू नो हु आर टेकिंग केयर ऑफ द मदर एंड ऑफ द चाइल्ड, ऑल्सो मेनी मदर्स हु आर नॉट गेटिंग हेल्प. एब्सोल्युटली. ऑल्सो मेनी मदर्स हु आर गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है. बट ये चीज़ें फैमिली जाके पॉइंट आउट करती है, अरे वो तो बदल गई है, उसका ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, उसको हर चीज़ वो जवाब दे देती है, स्नैप कर देती है, ये नहीं समझती है. बट आई थिंक एक माँ के नज़रिए से उस चीज़ को देखो, जो एक नई माँ बनी, एक नया जीवन देख रही है, पोस्टमार्टम से गुजर रही है, आई थिंक उसकी कहानी बहुत अलग होगी. हाउ डिड यू लाइक यू नो मैनेज, आई एम आस्किंग लाइक अ क्यूरियस कैट, हाउ डिड यू मैनेज लाइक टू बेबीज टुगेदर? ऑनेस्टली अभी तक मैं सीख ही रही हूँ, अभी तक मैं सीख रही हूँ. हर दिन एक नया सीख है, हर दिन एक नया चैलेंज है. मैं अपना वो बना के रखती हूँ, एक डायरी बना के रखती हूँ, इस वक्त इधा ने फीड किया, इस वक्त जीवा ने फीड किया, ये डायपर अभी चेंज हुआ है, डायपर उसके बाद वो होने वाला है, आज वैक्सीनेशन इस मंथ के. तो मेरे पास एक पूरा लेजर है जिसमें सब लिखती रहती हूँ, क्योंकि दो जन के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे सप्लाईजेशन ऑन ऑल वुड हैव बी द सेम डेट. कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को बिकॉज ऑफ आर वर्क कमिटमेंट, या फिर वो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ऊपर नीचे हमको करना ही पड़ता है. और फिर उसके बाद हम ये चीज़ घर में सप्लाईज, मतलब आज तक मैंने अपने लिए इतनी शॉपिंग नहीं की है जितनी अब हर 10 दिन में बच्चों के लिए शॉपिंग होती है, हर दिन में चीज़ें आती हैं. तो ये सब चीज़ अगर कुछ एक चीज़ भूल गए, रात को 12 बजे उठ कर फिर केमिस्ट के पास भाग रहे हैं, फिर अगर हमारी कोई चीज़ रह गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप फीड या फॉर्मूलाज अब याद नहीं रहा, अब उसको एक क्या बोलते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन पे, डायपर्स मंथली सब्सक्रिप्शन पे डालने पड़ते हैं. अभिनव के पास एक लिस्ट है, अभिनव के पास डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियन का एक वो है, यू नो कॉन्टैक्ट लिस्ट, आज इनसे बात करनी है. आज बच्चों के साथ इतना काम होता है, फुल टाइम जॉब. इट्स अ फुल टाइम जॉब. एंड बीइंग मदर्स आई विल से दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड से यू नो वी हैव हेल्प एंड ऑल, बट आई वुड स्टिल से इट्स सच अ फुल टाइम जॉब, क्योंकि एक माँ माँ होती है,
हमें पता होना चाहिए कि सब जो भी हमने लिस्ट भी बनाया वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं. इनफैक्ट व्हेन आई टेकन लियाना एंड दिविशा हुआ लाइक नॉट ट्विंस लाइक योर ट्विंस बट आयरिश ट्विंस, बट अभी क्योंकि दोनों थोड़े बड़े हो गए, मतलब मेरी छोटी वाली थोड़ी बड़ी हो गई, वो थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो थोड़े मोर ऑर लेस सिमिलर हाइट के हैं, बट ऑब्वियसली छोटे बड़े समझ मुझे समझ में आता है प्रॉपरली. डॉक्टर ने ऐसे बोला, ये दिविशा इलियाना. नहीं अरे ये कौन है, अरे ये कौन. मैंने कहा डॉक्टर प्लीज, ऐसे करके मतलब यू नो द होल्ड द लिस्ट एंड दिस इज दिविशा, दिस इज हर वैक्सीनेशन. उल्टा पुल्टा वैक्सीनेशन मत करा देना. वो दिखते हैं आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं है, पर यू नो व्हेन आई डोंट नो रिसेम्ब्लेंस होती है, वैसे बोलते हैं कि रिसेम्ब्लेंस है. रियली? या बट फॉर मी आई फील कि बहुत अलग है, लेकिन लोग एक झटके में कंफ्यूज हो जाते हैं. आई मीन दैट्स वेरी यस, बट एक कोई तो वेरी स्ट्रांग रिसेम्ब्लेंस है. एक्चुअली वो हेल्प जो है ना, वो हेल्पिंग हैंड्स और यू नो एवरीथिंग सपोर्ट सिस्टम इज फॉर अस just to make ourselves at ease, but what we are providing to our children is absolutely ours only. And we are the fill in the blanks of that help also. Yeah, yeah. Because कहाँ क्या हम करना है, छुट्टी नहीं ले सकते. yeah. वो छुट्टी पे भी जा सकते. yeah. वो छुट्टी ले सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव अ हॉलीडे एज सच. इफ द बेबी इज क्राइंग आई थिंक मतलब दूसरे लोग ट्राई कर सकते हैं, बट वी नो दैट आई एम अवेक. मतलब विद दिस बेबी क्राइंग ऑल्सो एंड दिस बेबी इज ऑल्सो क्राइंग बिकॉज बोथ ऑफ देम इज माइन एंड बोथ ऑफ देम just wants me and I can feel that pain. Nobody can feel that pain as much as I do. नहीं आती है. एक्सट्रीम ऐसा टाइम आ गया था जब मेरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया था. मतलब मुझे ऐसा था कि यार आई नीड हेल्प. मैं रात को उठ उठ के रोती थी. मैं उठ उठ के रो रही हूँ, है ना, हाय क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है. तो एक दिन अभिनव ने बोला कि ऐसा करते हैं, मैं आज एक बेटी के साथ सोता हूँ, एक बेटी को मम्मा दूसरे रूम में लेकर जाएगी, तुम अलग से रूम में सो जाओ और निश्चिंत होकर सो जाओ. और ये हमारी कॉन्वर्सेशन ना पिछले मतलब हफ्ते 10 दिन से चल रही थी. रुबीना टेक आउट दैट टाइम. और मेरे ना दिल नहीं हो रहा है. दिल नहीं हो रहा, हालांकि दूसरे कमरे में जाकर सोना है, कि एक बार एक रात कंप्लीट नींद मिल जाए, 3 से 4 घंटे मिल जाए, तो शायद आई विल फील अ लिटिल बेटर, आई विल हैव दैट रिलैक्सिंग या मे बी 4 घंटे की अच्छी नींद. दिल नहीं मान रहा. तो मतलब 10th डे पे ही फोर्स्ड मी, गो स्लीप देयर, आई विल टेक केयर, गो स्लीप देयर. मैं बता रही हूँ ना, मैं उठ उठ के ना बेबी कैम चेक करूँ, उठ उठ के मैं दरवाजे के बाहर, नहीं मतलब आवाज तो नहीं आ रही है, अच्छा अभी उठ गई, अच्छा बर्प हो गया, डायपर चेंज. यार वो चिंता और वो एक माँ से कोई नहीं निकाल सकता. वो ना सेटल ही नहीं हो पाई. मैंने कहा यार रात को नींद नहीं आ रही है, दिन में कैसे मैं टाइम निकाल के निकलूं. यार आई कैन टेल द ऑडियंस थ्रू यू वन थिंग, वी मेक इट लुक सो इजी. व्हेन यू केम आउट आफ्टर लाइक व्हाट 1 month, 1.5 month, हमने अनाउंस किया था महीने के बाद, आफ्टर मतलब आफ्टर योर बेबीज बर्थ, जो व्हेन आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट यू आर सो रिलैक्स्ड, हाउ डिड यू डू इट. बट एक मतलब सोशल मीडिया पोस्ट पे एग्जैक्टली यू नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड अ मदर्स ब्रेन. मैं बता रही हूँ, वो एक महीना जो अनाउंस करना भी था ना, क्योंकि इतने सारे स्पेकुलेशन और र्यूमर्स आ चुके थे और ये सब कर रहे थे, मैं एक महीना भी मुझे नहीं करना था. मैं और अभिनव ना इतना कॉन्टम्पलेट करते थे, यार आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, वॉट शुड आई से, हे आई एम हैप्पी, आई हैव गॉट, आई एम नॉट फीलिंग इट. मैं क्यों मतलब मैं एक फसाड क्यों क्रिएट करूं. और एक तो वो प्रोटेक्टिवनेस इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना, नहीं यार मुझे मेरे बच्चों को शेयर नहीं करना, नहीं मुझे बताना ही नहीं, मुझे कुछ करना नहीं, आई वॉन्ट टू जस्ट कीप दम हियर. आई हैड ऑल्सो हिट रॉक बॉटम. मतलब मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, मैं रात रात भर जागती थी, ऐसे बैठी रहती थी. पर तब मैंने एक दिन मैंने अपने आप को सोचा, अपने आप को कहा, यू नो गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स बोथ डू नॉट लास्ट, सो दिस इज द बैड टाइम, लाइक यू नो माई गुड टाइम इज वेटिंग. ऐसे अपने आप को बोला और एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग थ्रू. क्या होता है, कितने सारे माएँ तो मतलब खुद अकेले करते हैं. आई स्टिल हैव हेल्प, बट या बिकॉज राइट नाउ द बेबी नीड्स मी एंड आई एम सिटिंग द होल नाइट विद अ टेरिबल बैक पेन एंड आई एम स्टिल डूइंग इट. तो मैंने अपने आप को ये याद दिलाया एंड आई एक्चुअली वो फेज निकल गया और मतलब अभी सब कुछ ठीक है. तो अभी सोच के ऐसा लगता है कि हाँ यार वो निकाल दिया. और वो कहा जाता है अगर मदरहुड रिवॉर्डिंग ना होता ना तो इट वुड हैव ड्रिवन विमेन क्रेजी. क्योंकि है यार नींद पूरी नहीं होती है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जाते हैं, पोस्टमार्टम हेयर फॉल से जाते हैं, यू नो स्किन चेंज, लाइफस्टाइल चेंज, इतने सारे चेंजेस से जाते हैं. अगर वो मदरहुड रिवॉर्डिंग ना हो, नथिंग वुड हैव बीन वर्थ इट. या मतलब वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए ऐसा है. वर्ल्ड वॉर एब्सोल्युटली. बट दिवीना यू हैव बीन सो पॉजिटिव इवन थ्रू योर कॉन्वर्सेशन. जो आप बोलते हो, आप छोटे छोटे वो एफर्मेशन लेते हो, छोटी छोटी वो चीज़ें लेते हो, इट इज
इट्स एक्चुअली इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग. मतलब आई विल ऑल्सो गो बैक होम एंड टेल माई सेल्फ इन माई बैड डेज, अगर ये अगर यू नो अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे. सो आई विल रिमाइंड दिस टू माई सेल्फ. थैंक यू सो मच. दिस कॉन्वर्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. थैंक यू सो मच. बिकॉज पीपल राइट टू मी, यू नो आफ्टर बेबीज बहुत डिप्रेस्ड फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. आई समहाउ व्हेन आई रीड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है यू नो हम हमारे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे सो हम उसी को मल्टीफोल्ड करेंगे. अगर हम उसको सेल्फ इंड्यूस भी करते, जैसे हमने कहा यू नो जस्ट गोइंग आउट एंड फीलिंग हैप्पी, पुटिंग अ गुड पिक्चर, उसके लिए शायद रेडी कुछ नहीं किया, सस रेडी हुआ, एक फोटो खींचा, इंस्टाग्राम में डाला, उसमें ही जो खुशी होती है एक माँ की, और दैट काइंड ऑफ गिव्स यू दैट सैटिस्फैक्शन टू यू नो continue that the more whole you appreciate day. And be grateful to little things in life, they multiply. Yeah, they multiply. Absolutely. So this small things actually help in that mammoth task of motherhood and makes it beautiful. Now towards the end of this conversation, main sabhi guests ke unke firsts poochti hu, which means their first reaction ya first feeling. Your first reaction when you got to know ki aap within 6 months फिर से माँ बनने वाली है. विद इन 3 months actually, yeah. It was a mixed feeling. मतलब मुझे बहुत घबराहट हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगा लोग क्या सोचेंगे, और बहुत खुशी मिली यू नो माई बॉडी इज फाइन एंड इट हैज द कैपेसिटी टू डू इट. Devina, you're a superwoman, I must say. Okay, your first reaction when Liana smiled at you. Liana smiled after the longest time. Liana, when I first hold her in my hand, she मतलब उसका perpetual एक frown है, और आज भी अच्छा she is like this. People would know. तो उसने मुझे पहली बार भी ऐसे ही देखा था. बोला पापा तो गुस्से में आई क्यों, गुस्से में पृथ्वी में आई है. बट बहुत टाइम के बाद आई थिंक काफ़ी आई थिंक 3-4 months की थी, मुझे ऐसे सोचते हंसती नहीं है ये बच्ची कैसी है, और वन डे शी जस्ट लाफ्ड फॉर नो रीज़न. कुछ तो हुआ, एक मम्मी गन्ना खा रही थी और मम्मी गन्ना ऐसे तोड़ रही थी तो उनको उसको बहुत हा करके हंसने लगी, एंड वी वे लाइक मम्मी ने पूरा गन्ना खा लिया इस चक्कर में, ऐसे दांत से तोड़ के, और वो पूरे टाइम हंसी, एंड आई हैव द मोमेंट कैप्चर्ड. मतलब उसको कुछ भी रीजन से हंसी आई, बट इट इज अ ट्रेजर्ड मोमेंट, और मम्मी गन्ना खा रही थी एंड आई वाज जस्ट वाचिंग बोथ ऑफ द. मैं सोच रही मम्मी का दांत ना टूट जाए, इतने एक्साइटमेंट में पूरा गन्ना खा लिया, एंड शी वाज लाफिंग थ्रू आउट. ओहो हाउ स्वीट. द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन दिविशा सेड हर फर्स्ट पापा या मामा, अभी तक बोला है? हाँ हाँ, बहुत कुछ बोल देती है. वो उल्टा लियाना से ज्यादा बोलती है और ज्यादा भी बोल लेती है. वाओ. लियाना इज स्टिल नॉट टॉकिंग, और बट आई नो आई मीन यू नो विथ टू बेबीज विथ अ डिफरेंट लिटिल एज गैप, नाउ यू नो दैट यू नो देयर इज नो पर्टिकुलर माइलस्टोन. एवरी बेबी हैज देयर ओन माइलस्टोन. एवरी प्रेगनेंसी इज यूनिक, एवरी बेबी इज यूनिक. तो लियाना के दांत उठ आ गए थे 4 महीने में, लेकिन वो बात 2 years की हो गई. अभी भी वो थोड़े थोड़े शब्द बोलती है, पास्ता, मामा, पापा, मेरा है, मोर, शी वॉन्ट्स मोर, वन एवर शी वॉन्ट्स समथिंग मोर. बट दिविशा बहुत जल्दी, आई थिंक वेन शी वॉज 10-11 months, तभी से मामा मामा मामा, मतलब बहुत ही, अभी आते टाइम भी यू नो शी हैड वोकन अप एंड शी वाज शी डिड हर मामा मामा, मैं वो ही सुनते ही बैठ गई. वाओ. योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ योर लियाना फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिविशा फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या वो अलग था फीलिंग या दोनों के लिए सेम फीलिंग था? मुझे ऐसा लगा था यू नो व्हेन आई सॉ लियाना फॉर द फर्स्ट टाइम, आई फेल्ट माय हार्ट इज सो फुल. It does not have any more space. Oh my God, I'll get emotional. But when I saw Divisha, I felt that, you know, the heart has so much more space, and motherhood, mother's heart is, I mean, it does not know how to differentiate. It is full again and again for both of them. Okay. I'm being stupid. No. You're being beautiful. Ah. Yeah, this how did it feel? See, your babies, you tell me that. When both, you see, two together. मतलब ये कैसा feeling है? मेरे लिए, I don't know, I just felt that I've seen them before. Yeah.
मतलब वो जब यू नो व्हेन डॉक्टर टुक इधा आउट फर्स्ट आई जस्ट फेल्ट आई हैव सीन दिस फेस फर्स्ट आई डोंट नो. फिर जीवा आई दो मिनट के बाद, देन आई फेल्ट यार ये चेहरा भी मैंने पहले देखा है, कब देखा है, कहाँ देखा है, आई हैव नो आइडिया. बट येस इट जस्ट फील्स दैट आई हैव मेट दीज गर्ल्स बिफोर, आई डोंट नो वेयर, बट इट्स ओह माय गॉड, इट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग. ओह माय गॉड, थैंक यू. मेरे फर्स्ट में कितना सब कुछ आ गया. आई नो. ओके, लास्ट इज योर फर्स्ट रिएक्शन और योर फर्स्ट फीलिंग जब लियाना और दिविशा ने पहला अपना कदम. बोथ ऑफ देम वेर अगेन डिफरेंट. लियाना ऑलमोस्ट बहुत दिनों से क्रॉल कर रही थी और लेकिन वॉक बस कर ही नहीं रही थी. तो उसका बर्थडे फिनिश हुआ, बर्थडे पे भी हम लोगों ने मतलब हाथ पकड़ के वॉक कराया था. लग रहे थे मतलब भरोसा नहीं कर पा रही थी, बस पकड़ पकड़ के चल रही थी. फर्स्ट टाइम शी वॉक्ड आउटसाइड द हाउस, मतलब मेन डोर खुला और मैं लिफ्ट के पास थी, वो बस भाग के आई मेरे पास. इतना मतलब मैं इतनी ओवरवेल्म थी उसको वॉक करते हुए या वो रनिंग करते हुए देख रहा ना, इतना फास्ट ले लिया कि आते डैश करके गिर गई. मुझे तो पता ही नहीं चला मुझे कब पकड़ो, इतना स्पीड ले लेगी, मुझे वो भी नहीं पता था. डैश और उसके दो सेकेंड में मतलब इतना रोना कि मैं उस चीज़ को ना कैप्चर कर पाई, ना रिलिश कर पाई, ना बोल भी पाई कुछ, क्योंकि उसके बाद आधा घंटा वो बस रोई क्योंकि वो आके अपना सर ठोक लिया. और दिविशा थोड़ा सा जल्दी चलने लग गई थी और एक्चुअली वो बेड भी ठीक से सपोर्टेड सिटिंग कर रही थी, मतलब ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी, क्रॉल तो बिल्कुल ही नहीं कर रही थी. वन डे आई सॉ दैट शी जस्ट स्टूड अप, मतलब शी जस्ट क्रॉस्ड हर क्रॉलिंग एंड शी स्टूड अप एंड वन ईयर के बर्थडे के आसपास वो चलने भी लग गई. बोथ ऑफ देम आर एंटायरली डिफरेंट एंड इट्स इन अ डिफरेंट वे. मतलब इसको मैंने क्रॉल करते हुए ज़्यादा प्रॉपरली बैठते हुए नहीं देखा, सपोर्टेड सिटिंग एंड क्रॉलिंग नहीं किया, ऑलमोस्ट स्ट्रेट अवे शी स्टूड अप एंड शी वॉक. सो मुझे समझ में ही नहीं आता मैं इसको खुशी में लूँ कि मैं क्या लूँ. माइलस्टोन एक दिखे ही नहीं, मैं तो ओवरटेक कर लिया. सो या दैट्स हाउ इट इज. सो आई एम लाइक रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ एडवेंचर्स, जस्ट कीप इट कमिंग. हमारे शो का और हमारे कॉन्वर्सेशन का एंड जो है हम एक फन सेगमेंट के साथ करते हैं जिसके लिए हम स्विच करते हैं. ओके, व्हाट वुड वी, या शुड वी, यस लेट्स स्विच. स्विच तो ये हमारा छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पर हम एक फन गेम खेलते हैं और फन गेम बहुत ही सिंपल है. यू हैव टू जस्ट गेस द बेबी प्रोडक्ट. ये ब्लैक कार्ड आप अपने फोरहेड पे लगाओगे, मैं इनैक्ट करूंगी, कोशिश करूंगी आपको ये बताने की कि बेबी प्रोडक्ट क्या है एंड यू हैव टू गेस इट. सिंपल है, चलो है ना. ओके, वाओ, लेट मी सी हाउ यू एक्सप्लेन. यस, ओके. Swaddle. Oh my God! You are wow. Superb. Yes. ये कर कर के. Yeah. Pro बन गया ना. हाँ. Okay. Okay. पहले तो नाम भी नहीं पता था. हाँ, I know. अब तो कितने नाम पता है अपने को. ये diaper rash cream तो नहीं. She's brilliant. Really. She's brilliant. I'm good. Yes. Two times the experience. Yes. वो भी मतलब पुराने होने नहीं दिया ना. हाँ ना. Immediately. तुरंत. Revision. Revision test was very good. मतलब वो जो rocker. Baby bouncer. Baby bouncer. Yeah. Yeah. Same here. It is almost like a rocker. Yeah. Same here. Yellow. हाँ. क्या वो डायपर ना लंगोट. शीज, तुमने बांधने से पहले ही बोल दिया था, मुझे लगा कि ये करोगे पर वो नहीं, तुमने बांध दिया ना, वो उस पे गांठ मार दी मैंने. लास्ट क्या है, टमी रोल ऑन. रियली, लाइक या द रोल ऑन. हाँ, और कुछ बोलते हैं. हाँ मतलब रोल ऑन किसका, टमी, लाइक वो जो हींग रोल ऑन. अच्छा हींग, अच्छा स्पेसिफिकली हींग नहीं, चलो रोल ऑन भी. हाँ, ये टमी रोल ऑन, मतलब सोचो उसमें हींग भी होता है, उसमें अजवाइन भी होता है, तो पेट में गड़बड़ हो या कुछ भी हो, या कितना हींग और कितना कॉलिक रोल ऑन टाइप्स. या सुपर, वी आर ब्रिलियंट.
वाओ, थैंक यू सो मच। तो हमारा ये जो फन सेगमेंट था ना, उसके लिए ऑफ कोर्स इतना क्विकली गेस किया, तो वी हैव अ छोटा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम माय एंड, प्लीज दो फॉर द ब्यूटीफुल यू फ्रॉम हाउस ऑफ मेकअप। ओह थैंक यू। एंड फॉर हेल्दी यू दिस इज शुगर फ्री गुडीज और ये जेड फॉर द प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू सो मच। मुझे लगा वापस बेबी प्रोडक्ट्स बोल के बेबी प्रोडक्ट्स और चार पांच डायपर और रोल ऑन दे दे। वी सेलिब्रेट मदर्स हियर, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर मदर्स। ओके, देयर इज समथिंग फॉर मी। यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली फॉर यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, जाते समय एक कोई एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू न्यू मॉम्स? थिंग इज मदरहुड इज नॉट इजी, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम प्रॉब्लम्स के बोझ तले दब जाए। देर आर सोल्यूशंस ऑल्सो, वी जस्ट नीड टू बी अवेयर, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, छोटे छोटे स्टेप्स, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक से फॉर जो हम लोगों ने इस बार डिस्कस किया, लाइक इफ़ यू हैव हेयर फॉल, विच इज़ वन थिंग वेरी कॉमन, लोग बोलते हैं और लगता है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और हो जाएगा। तो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई डोंट नो फॉर एवरीबडी, बट फॉर प्रॉब्लम्स लाइक दैट you have simple solutions like thraya and it's yeah. so easy, it's at your fingertips actually. To aapko karna kya hai, all you have to do is download thraya, wahan par aap unka free trial test le sakte hain, apne problems ke mutabik solutions related aap products bula sakte hain aur aapko simple routine follow karna hai aur 3 se 6 mahine mein you will see the results for yourself. And what you have to do is you have to type KBN20 the coupon code and you will get 20% discount on all your products. And I am sharing the link in my description, you can order it now and get your free trial test today. Thank you so much Divina, that was lovely having you.